नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज एक बार मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 फसलों के त्यौहार की ध्वनि प्रस्तुति। बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा, और इसके अंत में मैं आपको एक जो इससे संबंधित कार्य है आज वो भी मैं दूंगा। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं पाठ 2 फसलों के त्यौहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में भी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, कैरा के पत्ता आयल की ना, आज ई लोग के उठे एक नईखे का। बोल जल्दी, तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसा ठाड़ हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रोई जैसे हल्के फुलके बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदी अब बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों पर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो औरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव,
लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को गोगुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मकई दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, फसलों के त्यौहार की ध्वनि प्रस्तुति। तो बच्चों, मैंने जैसा कि कहा था कि इस ध्वनि प्रस्तुति के बाद में आपको कुछ कार्य दिया जाएगा, तो आज का आपका कार्य है कि आपको फसलों से संबंधित किसी एक त्यौहार पर कुछ पंक्तियां लिखनी हैं। तो बच्चों, वो लिखकर आप उसकी फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में डालें, और आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।